सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। परिस्थितियों के आगे सब कुछ सह जाना पड़ता है, जो हमें पसंद नहीं वो भी हमें अपनाना पड़ता है। हो नरम दिल कितना भी क्यों ना, मजबूरियों के आगे दिल को पत्थर बनाना पड़ता है। जैसा हम कभी सोचते भी नहीं थे, कभी कभी हमें वैसा ही बन जाना पड़ता है। न चाहते हुए भी इस बेदर्द जमाने से हार जाना पड़ता है। परिस्थितियों के आगे हमें सब कुछ सह जाना पड़ता है। आज का पंचांग 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि दोपहर 3:01 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र सुबह 9:25 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:35 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:04 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर रात्रि 11:00 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। हरतालिका तीज की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रातः काल हरतालिका पूजा मुहूर्त सुबह 6:18 से 43 तक रहेगा। प्रदोष काल हरतालिका पूजा मुहूर्त शाम 6:24 से 12:39 तक रहेगा। मकर राशि 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार। आज के दिन आप अपने आसपास सभी को अपनी सोच और किसी भी स्थिति को सही समझने की योग्यता से प्रभावित करेंगे। अपने कार्यस्थल की किसी बड़ी समस्या या किसी दोस्त की परेशानी का बहुत रचनात्मक सा हल निकाल कर छा जाएंगे। आपके लिए रचनात्मक समय है। आपको किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने की जरूरत है, बल्कि लोग खुद आपकी ओर सहायता लेने के लिए आएंगे। अपने व्यक्तिगत तथा प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में आपका प्रयास सार्थक रहेगा। राजनीतिक अथवा सामाजिक लोगों के संपर्क में रहें। यह संपर्क आपके लिए कुछ अच्छे अवसर प्रदान करने वाले हैं। प्रॉपर्टी संबंधित कोई रुका हुआ काम आज हल हो सकता है। अपने अनुभवों का अवलोकन करते हुए खुद को सकारात्मक बनाने की कोशिश करें। अपने प्रयत्नों के जरिए ज्ञान का विस्तार करना होगा। जो बातें आपके मुख्य उद्देश्य से जुड़ी हैं, केवल उन पर ध्यान देते रहें। अन्य बातों में अटकने से वक्त जाया होगा। बड़े टारगेट हासिल करने के लिए विचारों में स्पष्टता रखें। काम की गति तेज करना आपके लिए आवश्यक है। काम से संबंधित डिसिप्लिन बनाए रखने की जरूरत है या कोशिश करते रहें। पार्टनर और आपके बीच हो रहे विवाद को आपसी सामंजस्य से सुलझाएं। गलत खान पान के कारण सेहत में आ रहे बदलाव पर ध्यान देना भी जरूरी है। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ मौज मस्ती भरे पल व्यतीत करेंगे। आपको किसी काम को लेकर अपनी बुद्धि और विवेक का पूरा इस्तेमाल करना होगा। आपको किसी काम के चलते अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आप अपने पारिवारिक सदस्यों को लेकर थोड़ा सतर्क रहेंगे। विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा भी मिलेगा। सावधानियां, समय अनुसार अपने दिनचर्या में भी परिवर्तन लाना चाहिए। आपके गुस्से और जल्दबाजी जैसे स्वभाव की वजह से रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं। अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों की संभाल स्वयं करें। दूसरों पर निर्भर रहने से नुकसान होने की आशंका है। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी आपसे सामंजस्य द्वारा घर की व्यवस्था को उचित बनाकर रखें। प्रेम संबंधों में नजदीकियां भी बढ़ेगी। आपके अपने प्रिय के साथ आज घूमने का प्लान चौपट हो सकता है। इस प्लान को रद्द करने के पीछे का कारण जानने के लिए अपने पार्टनर को बहुत अधिक परेशान ना करें। आराम से घर पर बैठकर अपना मनपसंद टीवी शो देखने से या कोई अच्छी सी किताब पढ़ने से भी आपका दिन उतने ही मजे में कट सकता है। बात करते हैं करियर की। अपनी नौकरी के क्षेत्र में बदलाव लाने का ये उपयुक्त समय है। अगर आप नौकरी से संबंधित किसी दुविधा में थे तो ये समय नौकरी में परिवर्तन लाने का समय है, जो कि आपको उचित दिशा में ले जाएगा और आपके लिए फायदेमंद होगा। इस उपरांत अगर आपको कुछ जोखिम लेना पड़े तो ना सोचें, क्योंकि यह जोखिम ही आपको अंत में मददगार साबित होगा।
व्यवसाय गतिविधियों में खुद की उपस्थिति अनिवार्य रखें। लापरवाही से परिस्थितियां बिगड़ सकती है। कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंध रखें, इससे उनका मनोबल बढ़ेगा, इनकम सोर्स बढ़ेंगे। ऑफिस में बढ़ते काम पर ज्यादा समय देना पड़ सकता है। बात करते हैं सेहत की। आपके व्यवस्थित दिनचर्या तथा उचित खान पान आपके स्वास्थ्य को ऊर्जावान रखेगा। नियमित योगा अभ्यास आदि पर भी ध्यान दें। आप अपने आहार के बारे में किसी विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। इस सलाह से आपको अपनी जीवन शैली को बदलने और अपने अचानक मूड परिवर्तन को कम करने में काफी हद तक मदद मिलेगी। आज का उपाय, गरीबों को आज दान पुण्य करें बहुत शुभ रहेगा, और गाय को रोटी खिलाएं, खासकर गुड़ वाली रोटी। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।